कि इसमें बताया गया 12 रस जो है, जिसमें 5 मुख्य रस है। तो प्रभु जी जैसे उसमें जैसे हर रस का एग्जाम्पल है, जैसे दास्य में हनुमान जी हैं और अपना शांत रस में बलराम जी हैं। प्रभु जी बाकी जो 7 रस है उनका प्रभु जी थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ा कौन एग्जाम्पल। कौन से हैं? माधुर्य, शांत रस, शांत रस, दास रस, दास दास रस, साखे रस, साखे रस, और ये अपना वात्सल्य रस, माधुर्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस, और कौन कौन से रस है? रौद्र रस। रौद्र रस, रौद्र यानी कि क्रोध, एंगर। अब रौद्र रस भगवान दिखाते हैं जब इंद्र ने भगवान की इच्छा ना मान करके और बारिश कर दी, वृंदावन वासियों को जला दबा करके कोशिश करी सबको बह दो पानी के अंदर, मार डालू। तो जब इंद्र आए माफी मांगने तो कृष्ण की आंखें लाल थी। तो गोवर्धन लीला एक ऐसी लीला है जिसमें 12 के 12 रस प्रकट के ठाकुर जी ने, तो आंखें देख के कृष्ण की घबरा गए, बोले आप पिटाई होगी, आप मारेंगे, आज गलत गलत जगह पंगा लिया मैंने। तब उस दर भगवान ने अपने रौद्र रस को प्रकट किया। और भक्त कैसे अपना रौद्र रस प्रकट करते हैं? हनुमान जी ने किस प्रकार से जाकर लंका में आग लगाई राम जी की रक्षा, राम जी के नाम के प्रति, इस प्रकार से हम देखते हैं रौद्र रस में। और मुख्य रूप से शिव जी का उदाहरण आता है, शिव जी रौद्र रस में उत्तम माने जाते हैं, क्योंकि इसीलिए उनका नाम रुद्र है, रुद्र, जो कि रौद्र रस को प्रकट करते हैं। जब प्रलय काल आता है तब अपनी रुदन रौद्र रूप से वो प्रलयकारी वर्षा करते हैं, प्रचंड वेग वायु बहती है और ऐसी अवस्था में फिर प्रलय काल आता है, तब पूरी पृथ्वी ऊपर के लोक जल मग्न और नीचे से आग निकलती है, सारे के सारे 5 तत्व तो दिखते हैं, आग भी दिखेगी, जल भी दिखेगा, हवा भी दिखेगी, सारे तत्व दिखाई देंगे। तो ऐसी अवस्था प्रलय तत्व, तो उसके उदाहरण शिव जी भी है। फिर आता है अद्भुत, अद्भुत रस का मतलब है वंडरिंग, अद्भुत यानी वंडरफुल, अद्भुत। तो अद्भुत रूप में हम भगवान की लीलाओं में देखते हैं। गोवर्धन लीला में एक 7 साल के बच्चे ने 7 दिन 7 रात तक क्या उठा के रखा? गोवर्धन उठा के। अद्भुत बात है कि नहीं है? आपका है कोई बच्चा उठा सकता है? भारत का हो छोड़ो, विदेश का कोई बच्चा हो, 7 टाइम मिस्टर ओलंपिया बना हो, कौन बना है, 9 टाइम 8 टाइम है ना, कोई भी बना हो, जो रोनी कॉलमैन क्या नाम है, जे कटलर, पैदल नहीं चल पा रहे, वो क्या उठा पाएंगे गोवर्धन? वो अपना वजन नहीं उठा पा रहे आजकल, वो गोवर्धन उठाएंगे? तो कोई भी शक्तिशाली से शक्तिशाली देवता हो वो भगवान की तरह गोवर्धन पर्वत नहीं उठा सकता। आप बताइए किसी देवता का नाम जिसने पर्वत उठा लिया, तो नहीं उठा सकते। अद्भुत कार्य करते हैं ठाकुर जी। तो अद्भुत लीला का उदाहरण है गोवर्धन लीला। श्रृंगार, श्रृंगार रस माधुर रस का एक अंश है, हास्य रस, कॉमेडी। ठाकुर जी की लीलाओं में हास्य रस, बलराम जी हास्य रस प्रकट करते हैं। उधर गेंद गिर गई है, उधर सब लोग बेहोश हो रहे हैं, कृष्ण पानी में कूद गए, और इधर बलराम जी हंस रहे हैं। क्यों हंस रहे हैं? ताकि जो लोग डिप्रेशन में हैं, शायद मेरी हंसी से थोड़ा न्यूट्रल हो जाए। तो ये इधर यशोदा बेहोश, इधर नंद बेहोश, इधर गोपियां बेहोश, सब बेहोश हो रहे, कृष्ण कूद गए पानी में, तो माहौल क्या हो गया? डरावना, भयानक हो गया। ऐसी अवस्था में उसको बदलने के लिए बलराम हंसने लगा, हास्य प्रकट किया। लोग बोल रहे क्यों हंस रहे हैं? अरे कुछ नहीं, लाल आई तो कूद गया, अभी आ जाएगा तुरंत, रोज जाता है, कोई नई बात थोड़ी है, न्यूट्रल कर दिया। तो हास्य रस का प्राकट्य किया। और हास्य रस के उदाहरण में हम देखते हैं हुहू नाम के गंधर्व, हाहा और हुहू। ये हाहा हुहू गंधर्व लोग के थे, इन्होंने देवल ऋषि के साथ मजाक किया, उनके पैर पकड़ लिए पानी के नीचे से जाकर के। तो पैर पकड़े तो देवल ऋषि ने कहा कौन है? कहा मगरमच्छ। तो उन्होंने कहा मगरमच्छ, मगर घबरा गए, फिर हंसने लगे, इसलिए उन दोनों का नाम ही हाहा हुहू। हंसे तो उन्होंने कहा जा ग्राह हो जा, फिर रोने लगे हमें माफ कर दो, मगरमच्छ बन जा, रोने लगे। तो उन्होंने कहा ठीक है मगरमच्छ तो बनोगे, लेकिन ठाकुर जी आएंगे तुम्हारी मुक्ति के लिए। तब उन्होंने गजेंद्र को पकड़ा और उनकी मुक्ति। तो ऐसे उदाहरण हमें मिलते हैं हास्य, हास्य का पूरा भी और हास्य का अच्छा भी। वीर रस, शौर्य, जैसे शिवलरी कहते हैं, वीर रस, भगवान वीरता प्रकट करते हैं। जब भगवान ने गोवर्धन उठाया तो गोपियों की तरफ देख करके थोड़ा ऐसे कर दिया, देखा देखा जिसको तुम प्रेम करती हो साधारण नहीं है, पावरफुल है, पावरफुल है, वीर हूं मैं। तो वीरता का उदाहरण दिखाया। और हम अनेक उदाहरण देखते हैं वीरता में भी, वीरता के उदाहरण है। जो भी लोग जब भगवान राम अकेले गए, उन्होंने 14,000 सैनिकों को अकेले मार डाला है ना, खरदूषण के साथ जो आए थे। तो भगवान अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं प्रभु राम इस प्रकार से। दया का, मर्सी, करुणा, भगवान की दया कितनी अच्छी है,
किम्वा दयालु, उनसे ज्यादा कोई दयालु है? शरणम प्रपद्धे, उनसे ज्यादा कोई दयालु नहीं जिनकी शरण में हमें जाना चाहिए। ये करुणा का उदाहरण है, मर्सी। भगवान की सबसे बड़ी मर्सी है कि आज हम सब लोग इस कलयुग के प्रकोप में टीवी बंद करके भगवान की कथा सुन रहे हैं, इससे ज्यादा उनकी मर्सी और क्या हो, क्या कर, इनकी कृपा से तो हो रहा है। आयोजन ना कराए तो क्या होगा? हरि नाम प्रकट किया प्रभु ने, चैतन्य महाप्रभु रूप में आए, उनसे ज्यादा दयालुवान अवतार कौन होगा? तो मर्सी का उदाहरण है, नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्णाय कृष्ण चैतन्याय नामिने गुरुदेशो। तो चैतन्य महाप्रभु को दया का उदाहरण मान सकते हैं। दासता, दास्य में आपने हनुमान जी लिखे किस प्रकार दास सेवा करते हैं, साक्ष्य रूप में भगवान के चित्रक पत्रक सुदामा श्रीदामा अर्जुन किंकड़ी अनेक सखा है। एक उदाहरण तो हम ले लेते हैं कि भाई अर्जुन है सखा में, लेकिन एक नहीं है, अन्य सखाएं भी हम पढ़ेंगे भक्ति रसामृत सिंधु में, दैन्य सखा, वरिष्ठ सखा, नर्म सखा, प्रिय नर्म सखा, चार कैटेगरी में सखा है भगवान के। भयानक, भयभीत कर देने वाला, हॉरर जिसे कहते हैं, तो हॉरर का मतलब वही है डर उत्पन्न कर देना। तो भगवान कहते हैं हरिश्यामी हम सर्वम, जो लोग जीते जी मेरी शरण में नहीं आते हैं वो मृत्यु के काल में मेरी शरण में आते हैं, और उन्हें मैं मृत्यु के समय उनका सब कुछ हरण कर लेता हूं। तो हम देख सकते हैं हॉरर, भगवान कहते हैं मृत्यु में ही मृत्यु हरिश्यामी हम सर्वम, मृत्यु काल में सब कुछ हरण करूंगा। तो मृत्यु हॉरर भगवान का ही प्राकट्य है। और विभत्स, शौक, आघात हो जाना, विभत्स रस, शौक लग जाता है ना व्यक्ति को, विभत्स यानी आघात होता है। भवत्स को घृणात्मक भी कहा गया, घृणा उत्पन्न कर देना, नेगेटिविटी, घृणा। तो भगवान घृणा उत्पन्न करते, जब गोवर्धन लीला उठाई तो जो मटकियां फूट गई मक्खन की, नाचते नाचते उनमें मक्खी बैठ रही थी, तो ठाकुर जी ने थोड़ा सा घृणा उत्पन्न करी। तो शांत और वात्सल्य, इस प्रकार से शांत तो आप जानते, लकुटी और वात्सल्य। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।